साहस और दृढ़ता से डटा हुआ यूक्रेन रशिया के सामने हार नहीं मानता। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं, आप देख रहे हैं इंडिया इन्फो। अकेले युद्ध में रशिया से भिड़ंत में यूक्रेन ने बता दिया कि वो कितना सक्षम है लड़ने की नीति में। जहां दो दिन तक रशिया से वॉर लड़ते हुए यूक्रेन ने पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी को दिखा दिया कि एक छोटा सा देश यानी यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में रशिया जैसी सुपर पावर के सामने अभी तक घुटने नहीं टेके। जहां दो दिन तक डिप्लोमेटिक रिलेशंस के चलते किसी देश ने कुछ खासी कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते आज यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए काफी देश खड़े हो गए हैं। खबर के अनुसार ताइवान ने सीधे सीधे यूक्रेन को सपोर्ट करने का दावा भी किया। वहीं इटली ने एक बयान में यूक्रेन को समर्थन देने की बात कही है, जिसमें इटली की फौज नाटो फौज में शामिल की जाएगी। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने F-35 जेट को तैनात करते हुए यूक्रेन को समर्थन भी दिया, जहां रोमानिया के बोरोशिया एयरबेस पर ये F-35 जेट को तैनात किया गया है। यूक्रेन के हालात पर टर्की का एक बड़ा बयान, जिसमें टर्की ने नाटो को युद्ध का जिम्मेदार बताया और EU की नाकामी के चलते रशिया का हमला हुआ। वहीं दूसरी ओर सूत्रों से पता चला है कि पुतिन और शी जिनपिंग से बात हुई यूक्रेन पर हमले के बाद। यूक्रेन ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि रेडिएशन हाई लेवल पर पहुंच गया है, जब रशिया ने शेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा किया था। सूत्रों से खबर आई है कि रशिया एक शर्त पर वॉर को रोक देगी अगर यूक्रेन सरेंडर कर दे, मगर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि वे अपने देशवासियों के लिए आखिर तक लड़ेंगे। वहीं EU ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि पुतिन नाजी जैसा रुख अपना रहे हैं। फुटबॉल फैंस के लिए एक खबर, जो कि UEFA का चैंपियनशिप की जगह बदल दी गई है, जिसके चलते UEFA का फाइनल अब रशिया में नहीं ऑर्गेनाइज करा जाएगा। आज की रिपोर्ट में इतना ही। अंत में चलते चलते हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में लिख के बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।